नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और कमाल के फ्रेश वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस प्रकार के वीडियो देख पाएं। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन और स्मार्टफोन हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ पे इन सब चीज के माध्यम से हम लोग तरह तरह के रोजाना वर्क को करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का वर्क हो, हम कभी ना कभी तो स्मार्टफोन का रोजाना यूज कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग इस स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं बहुत सारे कामों में, तो ये वर्क कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, हम लोग स्मार्टफोन्स के माध्यम से, मोबाइल फोन्स के माध्यम से रोजाना बहुत सारे कॉलिंग करते हैं और वो इजिली वर्क करता है। और लेकिन ये वर्क कैसे करता है ये हम नहीं जानते हैं। अब आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में कि आखिरकार ये वर्क कैसे करता है। एक सोचने वाली बात है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, एग्जांपल के तौर पे आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आप लोग फोन लगाते हैं इंडिया में, कुछ चंद सेकंडों में ही आपका फोन कनेक्ट हो जाता है और आप इजिली बात कर पाते हैं। अर्थात वहां से आप जो बोलते हैं इजिली कुछ सेकंडों में वो इंडिया चला आता है और यहां से जो आप बोलते हैं वापस वहां चला जाता है, यानी कि आवाज आपका तुरंत यहां चला आता है। आप इजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सिंपल तौर पे आपका जो डिवाइस है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहां मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही इजीली समझाऊं। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेक्निकली कि आखिरकार ये वर्क कैसे कर रहा है। अब नॉर्मल आपको मालूम है जो आपका डिवाइस है यहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। जैसा कि जो आपका डिवाइस है यहाँ पे तरह तरह के कंपोनेंट्स है, माइक्रोफोन वगैरह होता है, स्पीकर्स होते हैं, एंटीना होते हैं और भी तरह तरह के डिवाइस होते हैं। आजकल तो आपके डिवाइस में कैमरा वगैरह भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे शुरुआती दौरान इन सब चीजों का ही काम में लिया जाता था। आप कॉल कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी नंबर पे कॉल करने को चाहा, आपके हाथ में ये एक फोन है और इसके हाथ में भी एक फोन है। एग्जांपल के तौर पे आप बैठे हुए हैं मुंबई में और आपको फोन लगाना है पंजाब में कहीं, तो आपने किसी नंबर को अगर फोन लगाना चाहा तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस नंबर पे फोन लगाना चाहते हैं उसका डिटेल होगा। अर्थात आप जिस नंबर को फोन लगाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को फोन लगाना चाहते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर होगा कि हाँ उस पर आप डायल कीजिएगा तो आप उस व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी नंबर को डायल किया, तो जैसे ही आपने उस नंबर को डायल किया तो आपके डिवाइस से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ और जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। वो जो सिग्नल है ट्रांसमिट होके जो आपका डिवाइस है जिस भी लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसके पास चला जाता है और वो जो टावर है एक रिसीवर का कार्य करके आपके डिवाइस से जो आया सिग्नल है उसे रिसीव कर लेता है और फिर से उसे ट्रांसमिट करके भेज देता है MSC के यहाँ, जिसका अर्थ होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये आपको सभी एरिया में देखने को मिल जाता है। ये जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है उसके यहाँ जब ये डेटा आ जाता है तो आपने क्या रिक्वेस्ट किया है उनको पता चल जाता है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर में आपसे रिलेटेड, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स के जितने भी सिम्स वगैरह होते हैं, जितना भी डिटेल्स वगैरह होता है, सब वहां पे उपलब्ध होता है। आपने जिस नंबर पे फोन किया उनको पता चल गया कि हाँ इतने नंबर के जो व्यक्ति हैं अर्थात ये जो नंबर है इस नंबर से कनेक्ट होना चाह रहा है, ये आपकी ओर से रिक्वेस्ट निकल के आया है, तो वहां पे बहुत ही तेजी से मिला लिया जाता है। आपने जिस पे भी चाहा है कनेक्ट करने के लिए उसका डिटेल निकाल के जो सिग्नल है उधर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अर्थात वापस से जो सिग्नल है जिस डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराया था, यानी जो नंबर दिया था, वो नंबर का जो भी लोकल सिग्नल है अर्थात जो भी लोकल नेटवर्क है जिससे वो जो नंबर है वो कनेक्ट है वहां पे चला जाता है सिग्नल और वही सिग्नल वापस ट्रांसमिट कर दिया जाता है उस नंबर को जिस पे आपने फोन लगाया है, तो डायरेक्ट वहां पे फिर चला जाता है। तो जैसे ही चला गया तो आपके डिवाइस में रिंगिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन आपने गौर किया कि बीच में इतना प्रोसेस हुआ तो कुछ ना कुछ तो समय लगता है, तो आखिरकार ये समय कहां लगता है, आपका कॉल तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो आपने गौर किया होगा कि आप फोन किसी भी डिवाइस पे करते हैं तो वहां पे रिंग होने से पहले बीच में कुछ समय रहता है जहां पे आपको कुछ स्टोन देखने को मिलता था। डायरेक्ट आपका डिवाइस रिंग नहीं करने का लगता है, कुछ समय आपको करके कुछ स्टोन देखने को मिलता है, उसके बाद जो आपका डिवाइस वो कनेक्ट होता है। तो ये जो बीच का पार्टिकुलर समय देखने को मिल गया जहां पे आपको कुछ स्टोन देखने को मिला, आपका डिवाइस रिंग नहीं हुआ, उसी समय में ये सब प्रोसेस होता है और इसी सब प्रोसेस के माध्यम से जो आपका डिवाइस है दूसरे नंबर जिस नंबर को आपने मुहैया कराया वहां पे कनेक्ट होता है। यानी कि इस पार्टिकुलर टाइम में ये जो आपको शुरुआती दौरान कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ समय लगा कुछ रिंग के माध्यम से अर्थात कुछ स्टोन के माध्यम से, इसी समय में जो प्रोसेस है ये सब वर्किंग में आ जाता है। तो खैर दोस्तों, हम लोग अभी बात कर ले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में।
अब यहाँ पे तो बात निकल के आया कि आखिरकार कनेक्ट कैसे होता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग अपने स्मार्टफोन के माध्यम से किसी को कॉल करते हैं तो बात भी करते हैं, और इजिली जो भी यहाँ पे बोलते हैं कुछ चंद सेकेंडों के अंदर वो उनके पास चला जाता है, अर्थात उनके डिवाइस में सुनाई देता है कि आपने क्या बोला। तो ये फिर कैसे वर्क हो रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपके डिवाइस में कंपोनेंट लगा रहता है माइक्रोफोन। आपको मालूम होगा आप जो भी अपने डिवाइस में बोलते हैं माइक्रोफोन के माध्यम से उस डिवाइस आपका जो आवाज है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और आपके डिवाइस में एक और कंपोनेंट है जिसे एंटीना के नाम से जाना जाता है, जो एंटीना है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और ट्रांसमिट फिर से कर देता है, और बीच का जो कार्य फिर से आरंभ हो जाता है। ट्रांसमिट कर दिया गया तो जो सिग्नल यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आए वो रिसीव कर दिया जाता है लोकल टावर के द्वारा, फिर जो लोकल टावर है उसे भेज देते हैं यानी कि ट्रांसमिट कर देते हैं MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर के यहाँ, फिर उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के यहाँ से जहां पे भी आपका डेटा जा रहा था जो भी रिकॉर्ड मिला हुआ फिर से उस लोकल टावर में सेंड कर दिया जाता है, और फिर उस लोकल टावर से जहां पे आपने कॉल को कनेक्ट किया था वहां पे सेंड कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस काम में होता है बीच में, तब जो आपका डिवाइस है इजिली कनेक्ट हो पाता है। लेकिन हाँ, ये सब जब प्रोसेस हो रहा है तो इसमें कुछ समय लगता है जो आप गौर करते होंगे, अर्थात अगर आपने किसी को फोन किया है तो डायरेक्ट आप जो बोल रहे हैं डायरेक्ट एग्जैक्ट टाइम पे उसको नहीं सुनाई देता है, बीच में हल्का सा कुछ टाइम का अंतर रहता है और आपने जो बोला उनको सुनाई दिया, तो वही जो बीच का टाइम का अंतर है उसी में जो प्रोसेस है वो काम में आ जाता है। वैसे तो आपका जो डिवाइस है कनेक्ट हो चुका है तो इजिली आपका वहां से जो भी डेटा यहां से आप सेंड करते हैं उस जो डेटा है उस डिवाइस के पास इजिली चला जाता है। तो ये सब प्रोसेस बीच में होते हैं तब जो आपका डिवाइस से कनेक्ट हो पाता है और इसी माध्यम से आपका डिवाइस वर्क कर पाता है। अब ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है आज के दिन में बहुत प्रचलित हो चुकी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है आज बहुत विकसित हो चुका है। अब पहले के दिनों में भी हम लोग बात करने के लिए किसी उपकरण का सहारा लेते थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस समय हम लोग यूज करते थे टेलीफोन का, और टेलीफोन जो है एक वायर टेक्नोलॉजी थी, अर्थात वहां पे ये जो हम लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सहारा ले रहे हैं यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं उस समय उस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता था। आप गौर करते होंगे कि बहुत सारे वायर्स बहुत सारे तार लगे रहते थे सभी एरिया में, एक तार आपके टेलीफोन में आके कनेक्ट होता था, आप जो बोलते थे तो आपका जो डेटा है उस तार के माध्यम से ही उस वायर के माध्यम से ही वहां पे जिससे आपने कनेक्ट किया है वहां तक जाता था। तो पहले का ये टेक्नोलॉजी था, और भी फास्ट करने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, और आजकल तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, तो यही सब वायरलेस आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो हमारा डिवाइस है वर्क करता है, और आने वाले दिनों में और भी एडवांस हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी भी बहुत एडवांस है लेकिन आने वाले दिनों में तो और भी बहुत एडवांस होगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रोसेस के माध्यम से जो हमारा मोबाइल फोन है वो वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये स्मार्टफोन कैसे वर्क करता है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।